कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप सबके लिए छोले भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ, और अगर आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आपके सारे भटूरे ऐसे ही फूले फूले बनेंगे, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये नो फेल रेसिपी है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम छोलों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी छोले लिए, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो दिया है, और अब इसे आधे घंटे बाद चेक कर लेते हैं। देखिए, अब आधे घंटे बाद अच्छी तरह से ये फूल गए हैं, तो अब हम इसे उबाल लेते हैं। मैंने यहाँ उबालने के लिए कुकर लिया है, तो मैं कुकर में इसका भीगे हुए पानी, छोले और उनका पानी के साथ ही डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 4 लौंग, 2 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची और 1 मोटी इलायची डाली है। यहाँ मैंने 5 से 7 दाने साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/4 बेकिंग सोडा लिया है, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर छोलों को काला करने के लिए चाय पत्ती का यूज किया है। मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी के अंदर चाय की पत्ती को, 2 चम्मच चाय की पत्ती को उबाल लिया, और ये पानी अब मैं छोलों में ऐड कर दूंगी। और अब इसके अंदर मैं 1 आलू छील के डाल दूंगी और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दूंगी। और अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 सीटी लगवाने के बाद इसको मैंने सिम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम इसको चेक कर लेंगे। छोले गल चुके हैं, तो आइए इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है, और मैंने यहाँ पर बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च लिया है, जिसे अब मैं अच्छी तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए, अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाल दूंगी, और अब इसे भी हमें इसके साथ अच्छे तरह से भून लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी डालेंगे। देखिए, अब इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए। अब मैं इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी, जिससे कि मुझे जो छोलों के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसा कलर चाहिए, वैसा ही हमें मिल जाएगा। देखिए, हमें कितना अच्छा रंग मिल गया है। अब मैं इसमें नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर और 1 चम्मच मैंने छोले मसाला डाला है। ये छोले मसाला मैंने अपने घर में ही बनाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। हमने छोले को उबलते टाइम भी नमक डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, जिसे हम मसाले मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए, हमारे मसाले ने तेल अच्छे से रिलीज कर दिया है, तो अब हम इसके अंदर छोले ऐड कर देंगे जो हमने उबाले थे। मैंने जो इसमें 1 आलू डाला था, उसके मैंने छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और अब मैं इसमें 1 उबाल आने दूंगी, और साथ साथ मैं इसमें से खड़े मसाले निकाल लूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप साथ साथ निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक के लच्छे और थोड़ी सी कटी हुई लंबी हरी मिर्चें डाल दी हैं टेस्ट के लिए, और अब हम इसको भी इसके साथ ही बॉयल आने देंगे। और इसको, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनाने के लिए ना, हम इसके छोलों को ऐसे करछी से थोड़ा सा इनको प्रेस करते रहेंगे। इससे क्या होगा ना, आपकी ग्रेवी भी थिक बनेगी और छोले भी टेस्टी बनेंगे। देखिए, अब छोले बन चुके हैं। अब हम इसे 1 धनिया डाल देंगे और 1 साइड रख देंगे। अब हम भटूरे की तैयारी करते हैं। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। आप मैदा 1 ही कटोरी से लीजिएगा। 2 कटोरी मैदा में हम 1/2 कटोरी सूजी डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसके अंदर 1 होल बना देंगे। और मैंने थोड़ी सी दही फेंट के रखी है, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही डाली है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर इनो लूंगी, जो फ्रूट सॉल्ट होता है, मैंने 1/2 चम्मच लिया है। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, और अब हम इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच घी भी डाला है, और अब हम इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके इसका 1 नरम आटा लगा लेंगे। अगर आप इसमें अजवाइन डालना चाहें तो आप इसी टाइम पे इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो अब देखिए, मैंने इसका आटा लगा लिया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल करके इसको ग्रीस कर दूंगी, और अब मैं इसको अच्छे से ढक कर फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी, जिससे कि अच्छे से इसमें खमीर आ जाए। फ्रेंड्स, इसके अंदर जितना अच्छा खमीर उठेगा ना, उतना अच्छे ही आपके भटूरे बनेंगे, उतने फूले फूले बनेंगे, तो इसको रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अब डो को अच्छे से रेस्ट करा दिया है, और अब मैं इसको ऊपर की तरफ से आटा लेके अंदर की तरफ टक कर रही हूँ। देखिए, हमारा डो एकदम सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ और इसके पेड़े निकाल लेती हूँ। इसके पेड़े निकालने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस यूज़ करना है। हमने ऊपर से आटा लेना है, अंदर की तरफ टक कर देना है। हम ये प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि इसमें जरा सा भी कोई क्रैक ना रहे। अगर क्रैक रहेगा तो वो भटूरा वहाँ से फट जाएगा और फूलेगा नहीं। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, और हमें इसी तरह से अपने सारे पेड़े बना लेते हैं।
फ्रेंड्स, पेड़े बनाने के बाद इनके पर ऑयल लगाना मत भूलिएगा। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये सारे सूख जाएंगे और फिर ये अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो हम इसमें से एक पेड़ा ले लेते हैं और इनके ऊपर ऑयल लगाकर अच्छे से बेल लेते हैं। हम जितना पतला बेल सकते हैं हम उतना पतला बेलेंगे और इसको शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके भटूरे कम तेल पिए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको इसमें ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए और उसमें धुएं निकलते होने चाहिए। अगर आप ऐसे ऑयल में डालेंगे तो भटूरा डालते ही आपका भटूरा एकदम से पकने लगेगा और आप उसे तुरंत ही पलट देंगे। जब आप भटूरा डालने के बाद जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा आप उसको तुरंत पलट देंगे तो आपका भटूरा एकदम फूला फूला बनेगा। हम इसी तरह से अपना दूसरा भटूरा ही बना लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे भटूरा मैंने डाला और जैसे ही भटूरे के अंदर थोड़ा सा उबाल आने लग गया मैंने वैसे ही उसके ऊपर से तेल खोलाना शुरू कर दिया। खोलता हुआ तेल उसमें डाला और फिर इसको मैंने पलट दिया और देखिए इसमें कैसे फटाफट से एयर आ गया। हमें ठीक इसी प्रोसेस से अपने सारे भटूरे बनाने हैं और आपके सारे के सारे भटूरे आपके ऐसे ही फूल फूल के ही बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स, मैंने इसे सिरके वाले प्याज और तली हुई हरी मिर्च के साथ मैंने सर्व किया है। मेरे घर में सिरके वाले प्याज सबको बहुत पसंद आए। अगर आपको भी मेरी रेसिपी जाननी है कि मैंने सिरके वाले प्याज कैसे बनाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ जरूर ये रेसिपी शेयर करूंगी। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।